रोहतक में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, 11,000 पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण होना है। मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2024 के लिए हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज रोहतक में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 11,000 पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण होना है। इस दौरान जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन आज रोहतक में देखने को मिलेगा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए जागृति, ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी को लेकर जो है आज 11,000 के करीबन जो है कार्यकर्ताओं का शपथ समारोह है। और ऐसे में जो प्रदेश के जो जो आप पार्टी के बड़े जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगर आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो भगवंत मान, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़े जो नेता है तमाम इस स्टेज पर आपको दिखाई देंगे। आप मेरे पीछे देखिए, ये स्टेज जो है आप पार्टी के जो नेताओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो है ये शपथ समारोह कार्यक्रम है, इसके लिए जो है भव्य तैयारियां यहाँ पर चल रही है। लगभग 1 बजे के करीबन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो है कहीं ना कहीं जो है जायजा लिया जा रहा है, उनके लिए जो है कुर्सियां यहाँ पर बिठाई गई है। इधर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है लगभग 11,500 के करीबन जो है कुर्सियां यहाँ पर बिछाई गई है और जो है उनके भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। ये पंडाल बनाया गया है करीबन 6 और 7 के करीबन जो है इसमें वो पंडाल के तहत जो है वो कुर्सियां जो है डाली गई है। हालांकि अलग अलग रो जो है वो बनाई गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जो रोहतक के जिला अध्यक्ष है आप पार्टी के, उनसे बात करेंगे। विजेंद्र हुड्डा साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही है और कितने कार्यकर्ताओं को आज जो है शपथ समारोह होगा? 11,000 कार्यकर्ताओं का शपथ समारोह होगा और तैयारी तो आपने लिखना सारी की तैयारी कर रखी है, 10,000 कुर्सियां लगा रखी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या आज कार्यकर्ताओं में जोश भरकर जाएंगे, क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा टारगेट जो है बनाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने बढ़िया नेता हैं, आज न्याय उत्सव बनेगा आपने कार्यकर्ताओं में, बहुत उत्सव होगा, बहुत जोश भरेगा। देखिए अरविंद केजरीवाल जो ऐसे कार्यकर्ता है और भी एक कार्यकर्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के आने से हरियाणा में कितना बदलाव देखने को मिले? बदलाव पूरा है, सरकार बनाएंगे, सत्ता में सरकार बनाएंगे। हमने कांग्रेस को व्रत के देख लिया 14 साल, बीजेपी को व्रत के देख लिया। बीजेपी ने तो हरियाणा में खड्डे खनने के सिवा किया क्या है? मेडिकलों के हालात देख लो, बुरे हालात है। किसानों के हालात देख लो आज, तो केजरीवाल तो एक दिल्ली से आके और भगवंत मान जी हरियाणा की धरती पे एक भगवान आने वाले। लेकिन लेकिन हुड्डा साहब बात करें हम, क्योंकि दिल्ली में जो वही मुद्दे रहे आपके, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक, क्या हरियाणा में भी कोई विशेष रणनीति जो है चुनाव के लिए बनाई गई? बिल्कुल, जो दिल्ली में सुविधा दी ना हो हरियाणा में देंगे। बिल्कुल संजय, और देखिए ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, ऐसे में आपने बताया कि 11,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। ये भी जानना चाहेंगे कि किस वक्त तक जो है अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे, भगवंत मान वहां पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए जगरती 11 लगभग ये कहा जा रहा है कि 1 बजे के करीबन जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और इस स्टेज से जो है शपथ समारोह होगा। इस स्टेज से जो है जो कार्यकर्ता है उनको जो है शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर ये बिगुल जो है यहाँ पर बजाया जा रहा है, पूरी तरह से जो तैयारियां जो है वो यहाँ पर चल रही है। हालांकि कार्यकर्ता है वो कार्यक्रम में जुटे हुए हैं और साफ तौर पर जो है यहाँ पर लगभग जो है उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या पार्टी के सुप्रीमो कहें वो यहाँ पर आ रहे हैं, भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश जो है भरते दिखाई देंगे, इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी जो कार्यकर्ता है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा
उसमें आप पार्टी हरियाणा में जो है अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा कि पंजाब के बाद अब हरियाणा टारगेट है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बीच का जो स्टेट है वो हरियाणा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में आप पार्टी अपना वर्चस्व बना पाती है तो कहीं ना कहीं एक आप पार्टी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि इस तरह से राष्ट्रीय पार्टी आप ये देखा जा रहा है कि बिल्कुल ये आप की तरफ जो कदम बढ़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ कदम बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हरियाणा टारगेट जो है किया जा रहा है और हरियाणा में अगर अच्छी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा तो जो है कहीं ना कहीं आप पार्टी जो है इसमें एक योगदान जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए संजय, और जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है वहां कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, लेकिन ये तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद पता चलेगा कि आखिर आज के इस शक्ति प्रदर्शन में हरियाणा की जनता का कितना समर्थन मिलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।